बोलू श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलू श्री सतगुरु महाराज की प्राणधार संबंधी सुंदर साद जी कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी औरंगाबाद में है किस तरह से उन्होंने राजा भाव सिंह की जागनी की राजा भाव सिंह किस तरह से श्रीजी की सेवा में और प्रेमानंद में डूबे हैं और जब श्रीजी ने कतेब पक्ष की बात रखी तो कैसे उन्होंने कहा कि मेरे चार मुस्लिम दरबारी हैं वे यदि समझ जाएंगे या वे यदि स्वीकार कर लेंगे तो मैं औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ उनके चार में से तीन दरबारी अब तक समझ चुके हैं श्री जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान हो चुकी है जहान मोहम्मद अव्वल खान और मिहिन खान अब चौथे दरबारी का प्रसंग बता रहे हैं कि जब फतेह मोहम्मद नामक पठान ने श्रीजी के विषय में सुना और ये सुना कि जहान मोहम्मद किसी हिंदू वैरागी के यहां जाता है और उनसे ज्ञान सुन रहा है चर्चा सुन रहा है तो जहा जहान मोहम्मद को प्रश्न पूछा कि ये कौन से वैरागी हैं जिनकी शरण में तू जाता है या जिनके ऊपर तूने खुद को कुर्बान कर दिया है और साथ ही उसने चालीस हदीसें लिख करके दे दी हदीसों से संबंधित चालीस प्रश्न लिख के दिए और कहा कि यदि इन चालीस हदीसों का उत्तर वे वैरागी दे, दे देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ सच में उनमें खुदाई ताकत है वरना मैं नहीं मानूँगा अब फतेह मोहम्मद के द्वारा लिखित वे चालीस हदीसें लेकर जहान मोहम्मद श्री जी के चरणों में आए आकर के उन्होंने श्री जी से कहा कि श्री जी साहेब इस तरह से फतेह मोहम्मद ने प्रश्न पूछा है आप कृपया इनका जवाब दे दीजिए श्री जी कहते हैं तू ही कर इनके मायने किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब किल्ली कहते हैं चाबी को श्यामा जी के द्वारा लाई गई तारतम वाणी रूपी चाबी को जब तू प्राप्त करेगा तो तू भी इनके रहस्यों को खोल सकेगा ऐसे रहस्यों को खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो श्रीजी ने उन्हें तारतम ज्ञान रूपी चाबी दी जैसे ही तारतम ज्ञान उन्होंने श्रवण किया तो क्या कहते हैं तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार नजर भई वकामी ने किया दीदार परवर जैसे ही उन्होंने तारतम की चौपाइयों को सुना तो उसको सुनते ही हकीकत और मारिफत के भेद उनके माध्यम से खुलने शुरू हो गए और उनकी सूरता ने परवर दीदार अर्थात राज्य का दीदार किया उनका दर्शन किया परम धाम का भी दर्शन किया यहां ये प्रश्न हो सकता है कि चर्चा तो ये इतने लंबे समय से सुनते आ रहे थे लगभग दो महीने के आसपास हो चुके हैं और इतने लंबे समय से उन्हें दर्शन नहीं हुआ पर ऐसा क्या है कि तारतम सुनते ही उन्हें दर्शन होने लगा या तारतम सुनते ही सारे भेद खुल गए इसका उत्तर यही है कि अब तक जहान मोहम्मद को बहुत सारे प्रश्न तो होते थे और उन प्रश्नों के विषय में वो चिंतन भी कर चिंतन भी किया करते थे श्री जी से उन्होंने एक प्रश्न भी पूछा था जिसको हमने कल की चर्चा में सुना कि किस तरह से कब्र से मुर्दे उठेंगे तो ज्ञान के आनंद में वो डूबे तो हुए थे लेकिन यहां इस प्रसंग में तारतम के महत्व को दर्शाया गया है और इसका मतलब ये नहीं कि यहां श्रीजी ने उनके कान में कोई चौपाई फूंक दी और उनमें शक्ति आ गई यहां ये बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वैसे तो पूरी वाणी ही तारतम्य ज्ञान है लेकिन वाणी में निहित अध्यात्म के रहस्यों को छह चौपाइयों में सूत्रबद्ध कर दिया है छह चौपाई उनका संक्षिप्त रूप है और उन्हीं छे चौपाइयों का विस्तार रूप हम कह सकते हैं कि पूरी तारतम वाणी है यहां श्रीजी ने जहान मोहम्मद के कान में कुछ फूका नहीं है पर उन्होंने तारतम्य ज्ञान दे दिया और जैसे ही तारतम्य ज्ञान की वो चाबी मिल गई क्योंकि तारतम की जो छह चौपाइयाँ है उसमें क्या है पहली चौपाई से ही शुरुआत कैसे होती है निजे नाम श्री जी साहेब जी अनादि तो अब जाहिर भय सब वितवतन सहित अब यहां पहले तो परमात्मा के स्वरूप की पहचान बताई गई कि वो परमात्मा कैसे हैं, श्री अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य के वो स्वामी हैं और सब के साहेब हैं चाहे वो सुर हो चाहे असुर हो जैसा कि वाणी कहती है सुर असुर सबों को एपति, पति सब पर एक ही दया तो वो सबके स्वामी हैं इसी तरह से आत्मा के निवास के विषय में बताते हुए कहा निराकार के पार थे तीन पार के भी पार इस एक चौपाई तो में हद ब्रह्मांड के विषय में भी बताया बेहद के विषय में भी बताया तथा परमधाम के विषय में भी बताया इसी तरह से संपूर्ण वाणी की महिमा भी बताई कि ये सतवाणी मत के लियू जो इनको सार इस तरह से एक एक चौपाई में अध्यात्म के गहरे रहस्यों को खोला गया है जिसको प्राप्त करके अब जहान मोहम्मद में ही वो योग्यता आ गई चर्चा तो वो सुन ही रहे थे पिछले दो चार महीनों से लेकिन ये तारतम ज्ञान रूपी चाबी मिलने के बाद अब उन्हें खुद ही समझ में आने लगा कुरान को तो वो जानते ही थे कुरान की तालीम तो उन्होंने वहां के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन सबको दिया था पढ़े लिखे लोगों में वो अरवी खान के रूप में प्रसिद्ध थे कुरान वो पहले से ही जानते थे श्री जी की चर्चा पिछले तीन चार महीनों से सुन रहे थे और अब तारतम रूपी चाबी भी मिल गई तो इसीलिए हम केवल ये ना देखें कि चौपाई सुनी और हदीसें खुलने लग गए ऐसा नहीं है हदीसें उन्होंने पहले ही पढ़ रखी थी पर श्री जी ने केवल एक तारतम वाणी के माध्यम से रहस्य खोलने का तरीका बता दिया तो क्या हुआ जहान मोहम्मद गए फतेह मोहम्मद के घर पे और वहाँ जाकर उन्होंने पूरे चालीस हदीसों के रहस्यों को खोल दिया फिर कहते हैं कि तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछत तुम्हें सवाल जो इनका दे जवाब होए तेरा मुझ पर भाल कहते हैं कि मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ये जहान मोहम्मद पूछ रहे हैं कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं यदि तुम उसका जवाब दे दोगे तो मुझ पे बहुत एहसान होगा और वो प्रश्न क्या है कहते हैं खुदाए की सूरत का मुझे दे उत्तर फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खातिर तुम बस कुरान और हदीसों में खुदा की सूरत का जो वर्णन किया है या जो जिक्र किया है उस विषय में बता दो केवल मेरी खुशी के लिए उसकी साक्षी दे दो फतेह मोहम्मद ने कहा कि कुरान में पंद्रवा पारा है उसको कहते हैं रुए तरवी फिल तुल म्याराज लैल तुल म्याराज का मतलब क्या होता है लैल मतलब रात्रि शब्द है शुद्ध शब्द है मेयराज मेयराज का तात्पर्य होता है दर्शन आपको इस विषय में और गहराई से जानना है तो हमारे पुस्तकालय में एक छोटी सी पुस्तिका है शबे मेयराज हमारे आदरणीय नरेश टंडन जी के द्वारा वो लिखित है आप उसमें पढ़ सकते हैं तो उसमें इस बात का वर्णन है कि दर्शन की रात्रि में जिसको हम शब ए मेयराज शब मतलब भी रात्रि होती है और लैल मतलब भी रात्रि तो दर्शन की रात्रि में मोहम्मद साहब ने खुदा की सूरत का जो दर्शन किया वो कैसा था उसका वर्णन है तो उसमें क्या है कि ये बताया गया है कि मुहम्मद साहब ने जो कि मुहम्मद साहब मतलब अक्षर की रूह है ना तो उन्होंने खुदा की सूरत का अपनी रूहानी आँखों से मतलब अपनी आत्मदृष्टि से दर्शन किया दीदार किया उनसे आत्मदृष्टि से बातें भी की नब्बे हज़ार हरूफों में बातें की और उसी में उन्होंने खुदा की अमृद सूरत का बयां किया है अमृत मतलब किशोर सूरत का किशोर स्वरूप का कि खुदा की जो सूरत है वो किशोर है और कहते हैं कि मैंने खुदा की अमृत सूरत का दीदार किया उनके गेसुओं में से गेसु कहते हैं बाल उनके गेसुओं में से इत्र की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी इस तरह का वर्णन इसमें किया है अब जिसकी सूरत का इतनी दृढ़ता के साथ में वर्णन किया हो जिनको किशोर स्वरूप वाला बताया जा रहा हो जिनके बीज की दूरी तक बताई जा रही हो कि एक जो धनुष होता है सामान्य रूप में उस धनुष के बराबर की दूरी मेरे और खुदा के बीच में थी ऐसा बताया जा रहा हो तो उस खुदा को बेचुन बेचगुन बेसबी बेनिमुन अथवा निराकार निर्गुण अनुपम कैसे कहा जा सकता है अनुपम तो वो है क्योंकि उसकी कोई उपमा नहीं है पर उसको निराकार और निर्गुण नहीं कहा जा सकता है तो जब ये बात हुई कहते हैं फतेह मोहम्मद ने कहा कि जो लैलतुल म्याराज में वर्णन किया गया है उसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि खुदा की सूरत है वो निराकार नहीं है पर कहते हैं जाहिर कर हम ना सकें सरा जाहिर परस्त बुजुर्ग हम तो सरा तौरा से बधे हुए मतलब शरीयत से बधे हुए शरीयत की बादशाहत है जब तक मुगल बादशाह औरंगजेब इस बात को स्वीकार नहीं कर लेता जब तक वो इस बात को जाहिर नहीं करता उससे पहले हम जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि यदि हमने जाहिर किया सो हमको मारत तीन वास्ते कहो न जाए बाकी जो दूसरे मुसलमान हैं या जो बादशाह हैं वो हमें मार डालेंगे अब जहान मोहम्मद कहते हैं कि देखो तुम्हारे कहने से मैंने हदीसों का अर्थ भी किया श्री जी की कृपा से और तुम्हारे मुख से भी यह कहलवाया कि खुदा की सूरत है जो कि शरीयत के तो खिलाफ है शरीयत खुदा की सूरत की बात ही नहीं करता शरीयत खुदा के स्वरूप के विषय में बात करते हुए कहता है कि वह निराकार है बेचुन है बेचगुन है तो इतना होने पर भी तुम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते पहले तो तुमने यह कहा था कि यदि तुमने इन हदीसों का जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा तो फतेह मोहम्मद कहता है कि तब फतेह मोहम्मद ने फेर कहा, जो लो बादशाह ना आवे बीच दिन जब तक बादशाह नहीं स्वीकार कर लेता इस मत को इस धर्म को तो लो आगा हम क्यों करे पहले क्यों लिया आकिन जब बादशाह नहीं ले आता ईमान तो हम उससे पहले ईमान कैसे ला सकते हैं तो जहान मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारा ईमान खुदा पर है कि बादशाह पर है कि बादशाह मानेगा तो हम मानेंगे अन्यथा नहीं मानेंगे अब जैसे ही ये बात कह दी उसको थोड़ा कड़वा लगा बुरा लगा तो वहां से दोनों में खटपट हुई विवाद हुआ उसने जाकर के दूसरे मुसलमान को फतेह मोहम्मद ने जाके दूसरे मुसलमानों को भटका दिया और कहा कि तुम लोग जहान मोहम्मद को उस हिंदू बैरागी के पास जाने से रोको अब सभी लोगों ने मिलकर जहान मोहम्मद को रोकने का प्रयास किया कहते हैं तू क्यों बैरागी के कदमों लगे ते क्या जानया मोमिन कि तू उस हिंदू वैरागी के चरणों में क्यों जाता है तूने उसे क्या मान रखा है क्या पहचान की है इस तरह से अब लड़ाई होने लगी वाद विवाद होने लगा जिस बात को श्रीजी ने भी सुना तो श्रीजी ने जहान मोहम्मद को मना किया कि तुम इनसे मत लड़ा करो श्रीजी कहते हैं कि ये तो शरीयती हैं और कैसे हैं कहते हैं ये तो अमल दज्जाल सो तो जाहिलों का बाप जाहिल कहते हैं मूर्ख को और मूर्ख की भी जो मूर्खता की भी जो सीमा है हद है कहते हैं कि ये जो शरीयती हैं ये तो मूर्ख से भी मूर्ख है मतलब महामूर्ख हैं इन सो छले छुटिए तुम जिन जोरा करो आप इनसे सीधे लड़ करके पार नहीं पाया जा सकता है छल पूर्वक ही इनसे छुटकारा पाया जा सकता है इसलिए सीधे तुम इनसे मत लड़ा करो शक्ति के बल से इनसे लड़ा नहीं जा सकता है जहान मोहम्मद कहते हैं कि श्री जी साहेब मैं क्या करूं ये दज्जाल मुझे आपके पास आने से रोकते हैं यदि मैं उनकी बात मानता हूं तो मेरा ईमान डामाडोल हो जाएगा कहते हैं मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन कहा खतरा होते है ए मुख से कहो न बहन ये जहान मोहम्मद का कथन है कहते हैं श्रीजी साहेब मैंने तो आप में ही अपने साहेब को देखा है मतलब आप ही मेरे लिए खुदा की सूरत है आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं और यदि मैं उन शरीयती मुसलमानों की बात मानता हूँ तो ये माना जाएगा कि मेरे ईमान पर ख़तरा है इतनी पहचान करने के बाद भी इतना समझने के बाद भी मैं उनके कहने से या उनके बहकावे में उनके डर में आकर के आपके चरणों को कैसे छोड़ सकता हूं इस प्रसंग से पूरे समाज को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब पहचान की बात करते हैं श्री प्राणनाथ जी की कोई उनको कवि के रूप में बताता है कोई अगर थोड़ा और ज्यादा हो गया तो दार्शनिक के रूप में दिखाता है कोई कहता है कि ये तो प्रणामी धर्म के प्रचारक हैं कोई कहता है कृष्ण जी के भक्त हैं कोई कहता है छत्रसाल जी के गुरु हैं कोई कहता है कि मध्यकालीन युग के भक्ति रस के एक कवि हैं पर यहाँ क्या करें जहान मोहम्मद को पहचान हो रही है कि मैं तो साहेब देखिया जाहिर अपने नैन और हम जिन्हें वाणी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त है जो पीढ़ियों से वाणी पढ़ते जा रहे हैं और केवल पढ़ते नहीं सर्वाधिक भ्रामक प्रचार तो कौन करते हैं पढ़ने वाले नहीं जो पढ़ाने वाले हैं समाज को जो राह दिखाने वाले कहे जाते हैं वो भ्रमित करते हैं कि प्राणनाथ जी तो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं या फिर छत्रसाल के गुरु या फिर कवि हैं यह जहान मोहम्मद को पहचान हो रही है महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि श्री ठकुरानी जी साथ संघले पधारे मेरे घर धनी बिना तुम्हें कोई और देखे सो नहीं मिसल मातवर जो आपको धाम धनी के अलावा किसी और रूप में देखता है वो ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है यहां हमें जहान मोहम्मद से महाराजा छत्रसाल जी से केशव भट्ट जी से ऐसे अनेक ब्रह्म मुनियों से सीखना चाहिए कि वास्तव में श्री जी की पहचान क्या है तो उन्होंने श्री जी के स्वरूप की पहचान की उधर जो दूसरे पठान थे जिनको फतेह मोहम्मद ने भड़का रखा था वे मिलकर के आपस में विचार करने लग गए कि हम जहान मोहम्मद को मार डालेंगे इसने तो इस्लाम से संबंध ही तोड़ रखा है लेकिन उससे पहले हम जा करके उस वैरागी से लड़ाई करेंगे जो जहान मोहम्मद ही नहीं दूसरे मुसलमानों को भी भड़का रहा है आपस में मिलकर के अब रात को जब श्रीजी चर्चा कर रहे थे उस चर्चा के बीच में आए दस बारह पठान मिलकर के और शोर मचाने लग गए जिस समय श्रीजी चर्चा कर रहे थे सुंदर साथ दो गुट बना करके गुट मतलब यहां समूह से एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष और श्रीजी के साथ दाएं बाएं दो सुंदर साथ भी रहते हैं दोनों तरफ एक भागवत पढ़ते हैं कभी बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र पढ़ते हैं कभी कोई हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और एक तरफ कुरान हदीस पढ़ने के लिए लालदास जी होते हैं और श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं और इतने में दज्जा लाए और आकर के कहते हैं ए भगत जी क्या है हम करे लड़ाई जोर ए भगत जी हम आपसे लड़ाई करने के लिए आए हैं तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान कि आप टीका पहनते हैं टीका धारण करते हैं माथे पर गले में माला पहनते हैं और इसके बाद भी आप कुरान पढ़ते हैं ए रवा है नहीं जो तुम कहो सुनो कान हमें यह मंजूर नहीं है रवा मतलब हमें यह स्वीकार्य नहीं है कि आप टीका और माला पहन करके कुरान पढ़ो तो श्रीजी कहते हैं कि देखो खुदा और रसूल से जो हमारी मोहब्बत है जो हमारा प्रेम है उस प्रेम के बंधन में बंध करके हम कुरान पढ़ते हैं हदीस पढ़ते हैं और तुम जो अभी ढकने की बात कर रहे हो तुम रोकने की बात कर रहे हो तुम्हें यह आज्ञा किसने दी इतने में जहान मोहम्मद बोल पड़े कि तुम जो कुरान की बड़ी बड़ी बात करते हो तुम्हें यह सब किसने सिखाया क्योंकि जहान मोहम्मद भी ही थे जिन्होंने कुरान पढ़ाया था कहते मैं तो तुम्हारा उस्ताद तुम लेते तालीम तुमने सबने मेरे से तालीम ली है मैं तुम सबका उस्ताद हूँ और अब तुम बड़े हो गए अब तुम मेरे सामने आकर के बात करने लग गए वो भी मेरे हादी के सामने ऐसा करते करते मिहिन खान को भी जोश आया और साथ साथ में गाजी खान अव्वल खान जहान मोहम्मद ये सभी जोश से भर करके उन झगड़ा करने हुए आए मुसलमानों के विरुद्ध बोलने लग गए इतने में उनको डर लगा कि हम तो दस बारह हैं ये भी साथ में हैं इनके पास भी इतने ही मुस्लिम हैं और साथ में दूसरे सुंदर साथ हैं सो अलग इसलिए कहते हैं भगत जी हम जात हैं हमको कीजिए माफ हम तो अब जात हैं हमारे दिल हुए साफ कहते हैं कि भगत जी अभी हम जा रहे हैं हमें सब समझ में आ गया है हमारा दिल साफ हो गया है अब वहां से तो उठकर चले गए लेकिन अपनी अपनी छावनी में जाकर के या दूसरे मुसलमानों के बीच में जाकर शोर मचा दिया ये कहना शुरू कर दिया कहते हैं यारों बड़ा जादूगर हमारा कछू न चलिया जोर कि ये जो फकीर है वो तो बहुत बड़ा जादूगर है उसने बाकी सब मुसलमानों को भी अपने वश में कर रखा है हमारा तो कुछ चलता ही नहीं है और दूसरी बात हम क्या विरोध करें हमारे दूसरे मुस्लिम भाई ही हमारे विरोध के लिए खड़े हो जाते हैं इस तरह से इन्होंने बातें फैलाई और इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसके चलते सुंदर साथ को थोड़े कष्ट का सामना करना पड़ा और वो घटना क्या थी कि अब तीन दरबारी तो समझ चुके हैं जिन्होंने गवाही भी दे दी है फतेह मोहम्मद भी समझ तो चुका है पर वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है जब ये बात भाव सिंह को पता चली तो राजा भाव सिंह ने कहा कि श्री जी साहब जैसा कि मैंने कहा था कि यदि मेरे मुस्लिम दरबारी मान जाते हैं स्वीकार कर लेते हैं तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ उस हिसाब से मैं अपनी शर्त पर अभी भी टिका हुआ हूँ बस अब मेरी एक और ख्वाहिश है उतनी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए उतनी इच्छा पूरी कर दीजिए तो मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा और युद्ध करने के लिए मैं निश्चित रूप से तैयार हूं और वह इच्छा क्या थी कहते मुझे एक बार परमधाम का दर्शन करा दीजिए ये एक तरह से उन्होंने चमत्कार के तौर पर ही मांगा था अब परमधाम का दर्शन करना या कराना हमें कई बार तो लगता है कि बीतक में बहुत सारे सुंदर साथ ने श्री जी के माध्यम से दर्शन किया कहते हुए बहुत आसानी से कह देते हैं पर इतना सरल भी तो नहीं है ना पात्रता नाम की भी कोई चीज होती है हम प्रकाश की वाणी में क्या कहते हैं केसरी दूध न रहे रजमात्र बिना उत्तम कनक जो पात्र नेपाल में एक समय आज से लगभग अस्सी नब्बे साल पहले की बात है सौ साल समझ लीजिए उस समय राणाओं का शासन हुआ करता था तो वहाँ क्या करते थे कि काफ़ी क्रूर शासन था उन लोगों का शिक्षा से वंचित रखते थे और कोई भी उनके विरुद्ध बोलता था तो जैसे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था कुछ वैसे ही समझ लीजिए कि विरुद्ध में बोलने वाले को तुरंत जेल में डाल दिया जाए या फिर उनको किसी तरह से मरवा दिया जाए तो उन्होंने एक तरीका अपनाया था वो क्या करते थे कि जिनको मरवाना होता था उनको 10-12 दिन तक भूखा रखते थे कुछ नहीं खाने देते थे और जब वो भूख से तड़प रहे हैं उनसे जाके पूछते थे कि खीर खाओगे कौन मना करेगा ऐसे भूख में सूखी रोटी दी जाए वो भी बहुत होती है तो सब लोग हाँ भरते थे हामी भरते थे तो ये लोग गर्मा गर्म खीर बना करके उन लोगों को खिला देते थे अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपने लगभग लगभग सभी ने महसूस किया होगा कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह उठ करके खाली पेट में जब हम पानी पी रहे होते हैं तो पेट में जा करके कभी कभी इतने जोर का धक्का लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द होता है असहनीय पीड़ा अब क्योंकि पेट पूरी तरह से खाली है डाइजेस्टिव सिस्टम ने पिछले दस दिनों में कुछ भी काम नहीं किया है और ऐसे में अचानक गर्मा गर्म खीर डाल दिया जाए तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि आदमी वही मर जाता है क्यों क्योंकि वो दस दिन का बारह दिन का भूखा है इसी तरह से हमारा जो जीव है वो भी प्रेम शांति और आनंद का भूखा है जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर हमारा जीव अनेक योनियों में गया है योनिया कैसी भी हो पर हर योनि में प्रेम शांति और आनंद तो चाहिए ही होता है किसको नहीं चाहिए चाहे कोई व्यक्ति कितना भी क्रूर हो कोई भी प्राणी कितना भी क्रूर हो पर उसे किसी न किसी से तो प्रेम अवश्य होता है किसी न किसी से संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सबसे घृणा करता हो या जिसको सब घृणा करते हो रावण जैसा राजा राक्षस है उसको उससे नफरत करने घृणा करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार थे उसकी सेना में तो थे ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगी उसमें अच्छाई उनके नजरिए से रावण भले ही सबको पीड़ा पहुंचाता है पर कही न कहीं ना कहीं मंदोदरी के लिए उसके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर है इसी तरह से शेर जैसा जो क्रूर प्राणी है जिसे सब लोग डरते हैं पर जब वो अपनी मांद में जाता है अपनी शेरनी के साथ अपने बच्चों के साथ होता है उसी के बच्चे देखिए वही शेरनी है उसी दांत से शिकार को फाड़ती भी है और उसी दांत से अपने बच्चों को भी उठा करके दूसरी जगह पर लेके जाती है दांत वही है पर भावनाएं अलग अलग है तो प्रेम सबको चाहिए होता है आनंद सबको चाहिए होता है हाँ प्रेम और आनंद को समझ नहीं पाते हम और न ही ढंग से प्राप्त कर पाते हैं क्षणिक सुखों को ही आनंद समझ करके भोगे जा रहे होते हैं तो हमारा जीव तो वास्तव में भूखा ही है और ऐसे भूखे जीव को अचानक से योग माया का भी आनंद दिया जाए तो उस आनंद से वो वापस आना ही नहीं चाहेगा जैसे भूखे व्यक्ति को जो तीन दिन का भूखा व्यक्ति उसको भोजन दिया जाए तो वो भोजन पे इस कदर टूट पड़ता है कि ऐसे समय में वो और कुछ देख नहीं सकता इसी तरह से राजा भाव सिंह का जीव भी कुछ ऐसा ही था धार्मिक प्रवृत्ति तो थी पर अभी वो पात्रता नहीं बनी थी अभी त्याग की उतनी भावना नहीं है न इतनी साधना है तो बिना किसी साधना के बिना किसी पात्रता के उसको हजम करने का सामर्थ्य अभी नहीं था उनमें लेकिन जैसे कहते हैं ना चार प्रकार के हट होते हैं स्त्री हट बाल हट योगी हट और राजहट ये चारों जब अपनी जिद पे आते हैं तो किसी की नहीं सुनते यहां क्योंकि राजहट है उनको लगता है कि नहीं ये तो ये पाना तो मेरा अधिकार है बनता है जब बार बार जिद करने लग गए ने कहा अच्छा ठीक है चलो करके देखते अब उनकी सुरता को लेकर के जा रहे हैं जैसे ही योगमाया में प्रवेश किया चूंकि उनमें ईश्वरीय सृष्टि की वासना थी परमधाम की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है ईश्वरी सृष्टि की वासना होने से लेकिन योग माया के आनंद में इस कदर वो डूबा हुआ है कि वापस भी आना नहीं चाह रहा है तो न उसकी सुरता आगे जा पा रही है न पीछे आ पा रही है और उस, उस आनंद की अधिकता के कारण उनका तन ही छूट गया जीव वापस आना ही नहीं चाहता है तो क्या कहते हैं इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब भाव सिंह का देहांत हो गया और उसी समय क्या हुआ भाव सिंह का देहांत होते ही जो फतेह मोहम्मद था उन चार दरबारियों में से जो विद्रोही था उसने क्या किया कि भाव सिंह के सिंहासन पर जबरन अधिकार कर लिया आज तक जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं उन सब ने लगभग लगभग एक ही तरह की रणनीति को अपनाया है और वो है छल कोई भी देख लीजिए जब औरंगजेब सगे पिता से भाइयों से छल कर रहा है तो दूसरे की बात क्या की जाए जितने भी हुए सब ने छल किया है चाहे आप टीपू सुल्तान को देख लीजिए टीपू सुल्तान के जो पिता है उन्होंने वहां के हिंदू राजा के साथ छल करके उनको मरवाया और खुद राजा बने थे कश्मीर की अवस्था देख लीजिए कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ तो यहाँ फतेह मुहम्मद ने भी ऐसा ही किया भाव सिंह के मरते ही सिंहासन पर कब्जा कर लिया कुछ मुस्लिम सैनिकों को इकट्ठा करके और जो हिंदू सैनिक थे उनको ये कह के भड़का दिया कि देखो श्री जी की तरफ संकेत करके कि इनकी वजह से तुम्हारे राजा की मृत्यु हुई है तो अब सब लोग श्री जी के विरुद्ध में हो गए और फतेह मोहम्मद ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इन वैरागियों को पकड़ लो और जेल में डाल दो कहते हैं ढूंढ काड़ो वैरागी दे कैद में हम वैरागियों को ढूंढ करके जेल में डाल दिया जाए अब श्री जी साहेब उसी के मुहल्ले में फतेह मोहम्मद के ही मुहल्ले में रहकर एक मुल्ला को उन्होंने रख रखा था अनुवाद कराने के लिए तो कुरान का अनुवाद करा रहे हैं कुछ पैसे का लोभ दे करके तीन दिन हो गए इस घटना को पूरे शहर में लोग ढूंढते फिर रहे हैं किसी सुंदर साथ को वो पकड़ नहीं पा रहे हैं संयोग से भवानी भट्ट पकड़े गए तो भवानी भट्ट भी उनको चकमा देख करके भाग गए वहां से और भागते भागते वो श्रीजी को ढूंढ रहे हैं कि श्रीजी कहां पर हैं उनको पता ही नहीं कि कहां पर है सब सुंदर साथ अलग अलग जगह पे छिप रहे हैं उधर कहीं पर भड़कल दरवाजा नाम का एक स्थान था वहां के नागरिकों ने कह दिया कि जो सैनिक पूछ रहे थे वैरागियों के विषय में श्रीजी और सुंदर साथ के विषय में तो कहने लगे कि वो तो चले गए वैरागी तो चले गए क्योंकि हुआ यूं था कि सारे सुंदर साथ तो एक साथ नहीं भाग सकते तो कुछ कुछ करके सुंदर साथ सबकी वेशभूषा तो एक जैसी थी जो पार चले गए थे जनता ने देखा कि कुछ वैरागी तो जा रहे हैं उन्होंने कह दिया कि वैरागी तो चले गए उधर जहान मोहम्मद किसी कार्यवश फतेहअल्लाह के घर की तरफ जा रहे थे वहां एक दो सुंदर साथ को उन्होंने देख लिया उस इलाके में उन्होंने पूछा कि श्री जी साहेब कहाँ पर है तो वो लेकर के चले गए श्री जी के पास गए और कहते हैं श्री जी साहेब आप जहां पर ठहरे हुए हैं ये मोहल्ला तो दज्जाल का है जो अल्लाह ने विद्रोह किया जिसने पूर्वक यहां राज्य हड़पा है ये तो उसी की हवेली का क्षेत्र है कहते हैं इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत सब ठोर ए मुहल्ला फतेह अल्लाह का ए लड़ेगा तुमसे जोर ये मुहल्ला तो अल्लाह का है और ये यदि आप आप इनके हाथ चढ़ गए मतलब इनके अधीन हो गए तो ये आपको पीड़ा पहुंचाएगा इसीलिए जल्दी से जल्दी यहां से निकलिए श्री जी ने ये एक नीति होती है हम कहते हैं ना दिया तले अंधेरा है ना एक कहावत कही जाती है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवा है श्री जी ने इसी नीति को अपनाया क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह पूरे देश में ढूंढेगा पर वो सोच भी नहीं सकता था कि जिनको मैं हर जगह ढूंढ रहा वो मेरे ही मोहल्ले में होगा तो इसी नीति के तहत श्री जी उसी के मुहल्ले में जाकर अनुवाद करा रहे थे पर जहान मोहम्मद के आग्रह करने से श्री जी ने कहा ठीक है हम जल्दी ही यहाँ से निकलेंगे दिन ढलने की प्रतीक्षा की और शाम के समय में जितना अनुवाद किया जा चुका था उसको लेकर के लालदास जी और बाकी सब सुंदर साथ मिलकर वहाँ से निकल गए रास्ते में भीमसेन नामक सुंदर सात से भेंट हुई और वहां से चल करके भीमसेन भी बुढ़ानपुर आए और औरंगाबाद के सारे घटनाक्रम को श्री जी ने उन्हें सुनाया कहते हैं मैं आया तुम्हारे दीदार को कोई एक दिन रहा कदम भीमसेन जी ने कहा श्री जी साहेब मैं तो आपके दर्शन के लिए ही आया हूँ कुछ दिनों तक श्री जी साहब के चरणों में रहे और श्री जी ने उनसे कुरान के कुछ प्रश्नों को लिखवाया और मल्लुक जी को कहा कि ये पत्र ले जा कर के तुम्हें देना है किसको देना है कहते हैं औरंगाबाद में ले जाकर फतेह अल्लाह को देना ये प्रसंग वैसे तो आगे आएगा पर यहाँ लालदास जी ने संक्षेप में वर्णन किया है कि एक पत्र दिया गया फतेह मोहम्मद पर दूसरा हिदायतुल्ला खान पर एक उनके दीवान जिसका नाम था अमानत खान इन लोगों के लिए श्री जी ने प्रश्न लिख करके भिजवाया तीन चिट्ठी बनाई गई तीन जिल्द बांध करके तीन प्रतियां उन्होंने भेजी और वीर जी बदल तथा लाल खान को श्री जी ने आकोट से औरंगाबाद इन पत्रों को देने के लिए भेजा अब कहते हैं श्री महामत कहे ए मोमिनो ए औरंगाबाद की बीतक अब आकोट की कहूं जो बीतक है बुजुर्ग घटनाक्रम अब तक की जो थी यह औरंगाबाद की बीतक थी अब आकोट की बीतक बताने जा रहे हैं जो कि बुजुर्ग अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ अथवा महान है आकोट की बीतक को महान क्यों कहा जा रहा है क्योंकि आकोट में जिस बीतक का वर्णन करने जा रहे हैं इस प्रकरण का शीर्षक है सुकराना सुकराना किसे कहते शुक्रिया अदा करना कहते हैं ना धन्यवाद देना कृतज्ञता धन्यवाद किसी को कब दिया जाता है जब हमारा कोई काम कर देते हैं हमारी कोई सहायता कर देते हैं तभी हम किसी को धन्यवाद देते हैं ना अब यहां धन्यवाद किसको देना और क्यों देना है ब्रह्म सृष्टियों के पांच प्रमुख लक्षणों में से एक है पांच लक्षण कौन कौन से महामती कहे इश्क की शुक्र गरीबी सबर है ना ईमान इश्क शुक्र गरीबी और सबर उनमें से एक है शुक्र शुक्रिया अदा करना यहां क्यों और इस प्रकरण को यहां पर कहने का क्या आशय है और यह पूरा प्रकरण वैसे तो लिखने वाले लालदास जी हैं पर इस, इस पूरे प्रकरण में श्रीजी के द्वारा कहे गए भाव का वर्णन है जैसे बड़ी पत्री में श्री जी की बात है ना इसी तरह से शुक्रानाक की जितनी भी चौपाइयां हैं ये श्रीजी के तरफ से सुंदर सात को संबोधन है हुआ ऐसा कि सुंदर सात को दिल्ली में भी कुछ कष्टों का सामना करना पड़ा था औरंगजेब को बार बार संदेश देने में और बारह सुंदर सात जो गए थे उनको भी यातना हुई उदयपुर में भी जो औरंगजेब ने आक्रमण किया तो वहां बहुत सारे सुंदर साथ को क्षति पहुंची थी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आर्थिक रूप से इसी तरह मंदसौर में आठ महीने तक भिक्षा मांगने की आवश्यकता पड़ी और औरंगाबाद में भी अब भाव सिंह के मृत्यु के बाद छिप करके भागना पड़ा फिर भी फिर से भिक्षा मांगने की आवश्यकता पड़ी होगी तो कई बार क्या होता है कि अब जमात बहुत बड़ी है सबकी अवस्था एक जैसी नहीं होती है किसी का तो ईमान इतना पक्का होता है कि परिस्थिति कैसे भी आ जाए बस राज्य की लीला समझ करके हर परिस्थिति को राज्य की मेहर समझ करके उसको खुशी खुशी झेल लेते हैं सहन कर लेते हैं पर कई बार क्या होता है कुछ लोगों का विश्वास थोड़ा कच्चा होता है अब दिल्ली में ही हम देखेंगे तो कुछ सुंदर साथ दिल्ली से ही वापस अपने अपने घरों पहुंचे होते हैं कुछ सुंदर साथ दिल्ली में भी औरंगजेब के दरबार में गए और उसके बाद भी यहाँ औरंगाबाद से पहले मंदसौर में भिक्षा मांगने पर भी ईमान नहीं हिला उनका और अब भी ईमान उनका वैसे का वैसा ही दृढ़ है अडिग है चट्टान की तरह लेकिन कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जिनके मन में ये भाव आना शुरू हुआ कि हम श्रीजी को अक्षरातीत कहते हैं पहली बात और दूसरा अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं अब यदि हम ब्रह्म सृष्टि हैं और श्रीजी अक्षरातीत हैं तो हमें इतने सारे कष्ट क्यों आ रहे हैं इसका तो दो ही मतलब निकल सकता है कि या तो वो अक्षरातीत नहीं है या हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई अब यदि एक के मन में आया और उसने किसी और को कह दिया तो क्या होता है नकारात्मक चीजें अपने आप फैल जाती है झूठ अपने आप फैलता है सच को तो पालना पोसना पड़ता है सींचना पड़ता है तो इस तरह से एक करके दो एक के बाद दो दो के बाद चार बातें थोड़ी थोड़ी फैलने लगी एक प्रसंग आता है वाणी में जिसमें सुंदर साथ के ईमान के फिसलने का उदाहरण दिया है कहते हैं कि उन्होंने ना एक सीढ़ी का दृष्टांत दिया ऐसी सीढ़ी पग थी जिसको कहा है ऐसी सीढ़ी जिसमें पकड़ने की कोई जगह नहीं है जैसे हम यहाँ सीढ़ी में चढ़ते हैं तो पकड़ते हुए चलते हैं ना तो ऐसी सीढ़ी जिसमें पकड़ने की कोई जगह नहीं है और प्रत्येक सीढ़ी में काई जमी हुई है बहुत फिसलन भरी और उसमें कोई सखी कोई सुंदर साथ चढ़ते चढ़ते फिसल करके लड़खड़ाते हुए गिरने लगते हैं तो दूसरे सुंदर साथ उसको देख करके पकड़ने जाते हैं लेकिन क्योंकि उनके पैर की भी पकड़ जिसको हम ग्रिप कहते हैं ना उनके पैर की ग्रिप भी इतनी मजबूत नहीं है तो दूसरे सुंदर साथ के भार से वो खुद भी लड़खड़ा के गिर जाते हैं ईमान भी कुछ ऐसा ही होता है कैसा होता है कि किसी एक के अंदर इस तरह का संशय का भाव आता है वो संशय दूसरों के अंदर बीजारोपित किया जाता है और उसमें भी धीरे धीरे करके वैसी ही बात घर करने लगते फिर वो तीसरे को करता है ये सत्य घटना में आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण है आप में से कुछ लोग शायद इस बात को जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे हमारे यहाँ ज्ञानपीठ के पास में ही एक गांव है मैं नाम नहीं बताऊंगा वहाँ किसी सुंदर साथ ने नया नया तारतम ज्ञान लिया था और तारतम लेने के बाद में देवी देवताओं की पूजा छूट गई और सत्संग में आना जाना शुरू हुआ तो इसके कुछ समय के बाद में संयोग ऐसा हुआ कि उनके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया किसी को चोट लग गई वैसे तो ठीक ही चल रहा था पर किसी ने उनको कह दिया किसी प्रवाही ने कि देखो तुमने अपने घर से देवी देवताओं को निकाल दिया है कुल देवी या कुल देवता को निकाल दिया है इस वजह से तुम्हारे घर में ऐसा हुआ है और फिर कुछ दिनों के बाद में कोई और बीमार पड़ेगा घर में ऐसी घटनाएं दो तीन हो गई लगातार तो ये भावना और दृढ़ हो गई उन्होंने तो बीज ही डाली थी खाद पानी का काम दूसरी घटनाओं ने किया तो उन्होंने क्या किया वापस अब दूसरे मंदिरों में जाना शुरू किया पूजा इत्यादि के लिए मिठाई लेकर के प्रसाद लेकर के कि हमें माफ कर दीजिए हम आप ही के यहां आएंगे अब किसी सुंदर साथ को पता चला जिनके माध्यम से वो जुड़ी थी उनको पता चला कि बहन जी तो चली गई वापस तो समझाने के लिए वो गई तो जिनको समझाने के लिए गई थी उन्होंने उल्टा समझा दिया कि देखो मैंने तो तारतम लिया मेरे तारतम लेने के बाद में बेटे का एक्सीडेंट हो गया मुझे खुद मेरे सिर पर पत्थर लगा है बस पे चलते हुए ठीक है मेरे पति बीमार पड़ गए इस तरह से ऐसी ऐसी घटना हो रही है और अब मैं जब दूसरे देवी देवता की पूजा करने जा रही हूँ अब सब ठीक है ये तो एक संयोग है ना कोइंसिडेंस इसको बोलते हैं क्योंकि यदि ऐसा होना होता कि किसी देवी देवता के पूजा से ही ये सब ठीक होना होता इस दुनिया में विशेष रूप से भारतवर्ष में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें से कम से कम 90 प्रतिशत गाड़ियाँ ऐसी होंगी जिन गाड़ियों में किसी न किसी देवी देवता के फोटो लगे होते हैं होते हैं कि नहीं किसी में हनुमान जी की फोटो है किसी में दुर्गा की किसी में किसी और देवी की गुजरात में तो मैं जाता हूँ कभी भी तो देखता हूँ हर गाड़ी के पीछे कहीं आय श्री खोड़ियार कहीं मेलड़ी माँ कहीं कुछ कहीं कुछ ठीक है हर गाड़ी में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ लिखा होता है तो एक्सीडेंट तो सबका होता है ठीक है तो ये सिर्फ संयोग था पर क्या हुआ कि पहली का ईमान डामाडोल हुआ दूसरी समझाने के लिए गई दूसरी दूसरी को भी आने लगा कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था ठीक है तो ऐसा होने लगता है अब यहाँ आकवट में पहुंचते पहुंचते एक से दो दो से चार होते हुए ये अफवाहें फैलने लगी श्रीजी तक ये बात पहुंची कि सुंदर साथ में ऐसी ऐसी बात घर कर रही है तो श्री जी ने अब सब सुंदर साथ को समझाना चाहा कि राज पर कितने मेहरबान हैं। आप केवल दुखों को कष्टों को देख रहे हैं पर जी ने हमारी कैसे कैसे रक्षा की उसको देखिए और जी ने जो हम पर पल पल कृपा की है उसके बदले जी को धन्यवाद देना चाहिए न कि हमें हमारा ईमान गिराना चाहिए तो इस प्रसंग को कहा गया है शुक्राना आकोट का प्रसंग कहते हैं अब तुम सुनियो साथ जी शुक्राना करो याद एक बातुन तुम ऊपर दिखाओ तुम्हें बुनियाद बातुन जो शब्द है वैसे तो ये अपभ्रंश से बातिनी कहते हैं लोग बोलचाल में बातुनी रहस्य बोलते हैं बातुनी मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला बातिनी मतलब होता है गुहिया तो दो प्रकार की मेहर है राज्य की हम पर एक जाहिरी मेहर और एक बातिनी मेहर पहले दोनों के अर्थ को समझते हैं फिर पूरे प्रसंग को समझेंगे देखिए हमारी आत्मा के कल्याण के लिए जो कुछ भी घटित हो रहा है हो चुका है या होने वाला है हमारी आत्मा के कल्याण के लिए यहां कल्याण मतलब आनंद आत्मा के आनंद के लिए जिनको हम प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं सकते या देख करके भी ये पहचान नहीं सकते कि यह भी मेहर होती है तो ऐसे मेहर को हम बातिनी मेहर बोलेंगे और जो हम देख पाते हैं इन इंद्रियों से अनुभव कर पाते हैं इन आँखों से देख कर के इस बुद्धि से ग्रहण कर पाते हैं ऐसी कृपा को हम जाहिरी मेहर बोलेंगे हम सब राज्य से मांगते हैं तब भी जाहिरी मेहर ही मांगते हैं और राज्य हम पर कोई ऐसी मेहर कर रहे हैं तो हम जाहिरी मेहर को ही पहचानते हैं जैसे यदि हमारे घर में किसी की अच्छी नौकरी मिल गई तो हम कहेंगे कि राज्य की बड़ी मेहर है बिजनेस में फायदा हो गया तो हम कहेंगे कि राज्य की बड़ी मेहर है यदि मान लीजिए कि आप कहीं पर रास्ता पार कर रहे हैं ध्यान नहीं दिया गाड़ी वहां से सू करते हुए निकल गई और आप बाल बाल बचे तो कहेंगे कि राज्य की हम पर बहुत मेहर है पर यदि उस गुजरती हुई गाड़ी ने आपको टक्कर दी और थोड़ी चोट लग गई हम में से कोई नहीं कहेगा कि जी की मेहर है जबकि वो भी मेहर है क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो वाणी की चौपाई झूठी हो जाएगी कि महामति कहे तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत प्रत्येक सेकंड जो घटित हो रहा है सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करता वो सब राज्य का प्रेम ही है जी पल पल हम पर मेहर कर रहे हैं एक तरफ हम कहते हैं नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन तो जी हम पर जो मेहर कर रहे हैं अव्वल से लेकर के आज तक प्रारंभ से लेकर के आज तक तो जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ तो सब जी की मेहर है पर जो हमें कष्ट आता है हम उसको मेहर नहीं कह पाते वाणी तो कहती है हाँ गायन करते हुए हम कह देते हैं जैसे दुखरे प्यारो मेरे प्राण को सो में छोड़ियो क्यों कर जाए जो में लियो है बुलाए पर सच में दुख कौन बुलाता है हमारे लिए तो वो चौपाई है दुख के भागे सब फिरे कोई विरला साथ निभाए अब प्रश्न ही होता है कि जो कष्ट है वो मेहर कैसे है यदि हमारा एक्सीडेंट हो रहा है यदि हम गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं वो मेहर कैसे है पता है कोई भी ब्रह्म सृष्टि है दुख तो देखना ही है आज तक कोई भी ऐसे परमहंस नहीं हुए होंगे जिन्होंने अपने तन से किसी कष्ट को न सहा हो सरकार श्री को आप देख लीजिए डायबिटीज की बीमारी थी डायलिसिस पर चल रहे थे किडनी खराब थी अब उस अवस्था को हम ये थोड़ी बोलेंगे कि राज्य की केहर है राज्य की कृपा नहीं ऐसा तो हम नहीं बोल सकते वो तो मेहरबान ही है पर होता क्या है देखिए हमारे जीव के कर्म है आत्मा तो मात्र दृष्टा है लेकिन राज्य इतने मेहरबान है कि उस जीव को भी अब दोबारा जन्म मरण के चक्कर में वो भेजना नहीं है लेकिन मेहरबान का तात्पर्य ऐसा थोड़ी है कि अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाकर के कुछ कर देंगे हमारे जीव को दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं भेजना है इसीलिए इसी जन्म में आप में से बहुत सारे लोग यदि कंप्यूटर चलाते होंगे तो कंप्यूटर में ना एक प्रकार की फाइल बनती है हम उसको जिप फाइल बोलते हैं बहुत भारी भरकम फाइल को भी कम लिमिट में या छोटा करके वो बता देता है हमारे कर्मों का फल भी यदि हम सच्चे हृदय से राज्य से प्रेम करते हैं सच्चे हृदय से अपने किए गए गुनाहों की प्रायश्चित करते हैं तो हमारी भी फाइल वैसे ही छोटी हो जाती है तो स्वामी जी ने कई बार ये दृष्टांत दिया हुआ है हमें समझाने के लिए कि यदि आपके किसी गुनाह के कारण आपकी मृत्यु होनी होगी या फिर फांसी होनी होगी तो सुई चुभो करके कांटा चुभो करके उसके फल को टाला जाता है दुख तो दिया जा रहा है पर चूंकि आपने अभी चॉइस ली है आपने रास्ता चुना है अलग आपने प्रायश्चित की है तो उसका फल तो मिला पर कम रूप में मिला पूरी तरह से छुटकारा तो नहीं दिया जाता है जैसे कई बार क्या होता है यहाँ हम कर्म फल के सिद्धांत में पे उसके उसको दोष नहीं दे सकते कि वो पक्षपात करता है एक ही जैसा काम करने पर किसी को तो अलग प्रकार का दंड दे रहा है किसी को अलग प्रकार का दंड दे रहा है वो रोबोट थोड़ी है कि सेम कमांड का सेम रिजल्ट देगा वह चेतन है सर्वज्ञ है उसको पता है जैसे देश में कानून दो प्रकार के हैं विशेष रूप से एक नाबालिग के लिए है और एक बालिगों के लिए है वही अपराध करने पर नाबालिगों के लिए अलग सजा और साथ में सुधार गृह का प्रावधान है और वही अपराध करने पर बालिगों के लिए अलग सजा का प्रावधान है क्यों क्योंकि किसी ने अज्ञानता में किया है और किसी ने जानबूझकर के करके किया है और जानबूझकर के करके करने वालों में भी जब जेल में भेजा जाता है वहाँ उसके रहन सहन को देख करके उसकी सजा को कम कर दिया जाता है कि नहीं इसी तरह से परमात्मा के न्याय में भी तो आपने यदि उस परब्रह्म की पहचान की दृढ़ विश्वास के भक्ति के मार्ग पर साधना के मार्ग पर चले हैं तो इस तरह से छोटी छोटी पीड़ा दे करके बड़े बड़े संकटों से बचाया जाता है और हम क्या देखते हैं चूँकि हमारा जीव अल्पज्य है हमें जो छोटी पीड़ा दी जा रही है वह दिखाई पड़ता है पर बड़े पीड़ा से बचाया जा रहा है वो हम नहीं देख पाते इसलिए हमें लगता है कि राज्य हम पर मेहरबान नहीं है इसको एक दृष्टांत से समझते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई हम में से कोई व्यक्ति कान में ईयरफोन लगा करके गाना बजा करके सड़क पर चल रहा है पीछे से ट्रक आ रही है बहुत तेजी से हॉर्न बजाते हो पर चूंकि कान में ईयरफोन है हम सुन नहीं पा रहे हैं और ना हम देख पा रहे हैं सड़क के दूसरी तरफ कोई व्यक्ति खड़ा है जो देख रहा है कि आप मस्त हैं माया में पीछे से कोई घटना होने वाली अर्थात ट्रक आ रही है तो आपको बचाने के लिए वो दौड़ते हुए आता है अब क्योंकि उसको अपने आप को भी बचाना है आपको भी बचाना है तो वो आपको धक्का दे देता है स्वयं भी गिर जाता है और आप भी गिर जाते हैं अब आपको पता ही नहीं कि आपको धक्का क्यों दिया गया गाड़ी इधर से गुजर गई पर आपको पता ही नहीं है आपने ईयरफोन निकाला और पूछा क्या हो गया तूने मुझे क्यों मारा हम क्या देख रहे हैं उसने मुझे क्यों मारा पर पीछे से जो ट्रक गुजर रही थी हम नहीं देख पा रहे हैं हमारे साथ ऐसा ही होता है राज्य को पता है कि किसको क्या देना है कितना देना है कब देना है कैसे देना है क्यों देना है या फिर नहीं देना है हम उस बात की शिकायत करते हैं कि हमें ये चाहिए था वो चाहिए था ये नहीं मिला वो नहीं मिला यदि हम लालदास जी की जगह पर होते हमारे जहाज डूब जाते हम कभी नहीं कह पाते कि राज्य आपकी बड़ी मेहर है लेकिन लालदास जी के वो जहाज डूबे तो आज भी हम लालदास जी के द्वारा लालदास जी को माध्यम बना करके जो बीतक लिखे जा रहे उसको हम पढ़ रहे हैं और दूसरी बात उनको जो जहाज दिए गए थे या उनके पास जो जहाज थे या उनका जो भी व्यापार था कितने में था ठानगर आज का जो कराची है यदि वो सेठ के सेठ रहते तो मुझे नहीं लगता कि उनकी चौथी पीढ़ी भी उनको जानती हम खुद अपने चौथी पीढ़ी को नहीं जानते जानते हैं क्या और आज साढ़े तीन सौ साल के बाद भी लालदास जी को जान रहे हैं और केवल ये मेहर नहीं है राज्य की कि हम लालदास जी को जान रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे आत्मा के आनंद के लिए राज्य जो कर रहे हैं वो मेहर है तो हम लालदास जी को पहचान रहे हैं वो लालदास जी पर मेहर नहीं है उन पर मेहर किस बात की है पहली बात उनके हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर भी और अच्छे से समझने के लिए पन्ना जी में जब विराजमान थे लालदास जी को जब पूछा जाता था कि पुखराज पहाड़ की जो जमीन है धरती है वो ठोस है कि पोली है पोली समझते खोखली अंदर से खाली जैसे भूगर्भ तर, की तरह अंडरग्राउंड की तरह लालदास जी यहां पर यहां की धरती को ऐसे मुक्का मारते थे और अनुभव करते थे परमधाम के पुखराज पहाड़ में ठोस है कि पोली है ये जो आनंद उन्हें उन्होंने प्राप्त किया है वो राज्य की मेहर है इसी तरह से उनके द्वारा जो बड़ी वृत्त लिखवाई गई बाद में जितने भी परमहंस जितने भी सुंदर साथ हुए उन्होंने उस वृत्त को आधार माना है महामती जी की ही छाप है उसमें भी तो वास्तव में ये देना था इसलिए वो छुड़ाया गया हम क्या देखते हैं कि हमसे क्या छुड़ाया जा रहा है हमें क्या मिलना है वो हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारी दृष्टि अल्पज्य वाली है जियो वाली है तो अब यहां इस पूरे प्रकरण में श्रीजी उस प्रसंग को बता रहे हैं कि किस तरह से राज्य ने हम पर मेहर की अभी मैं केवल प्रारंभ कर रहा हूं कहते हैं इन जिमी में आज लो वेद कतेबों करी खोज पर ठोर अक्षर न पाया त्रिगुण थके खोज ले बोझ अब यहाँ राज्य की मेहर को समझने के लिए एक एक चौपाई को ध्यान से सुनना और समझना आवश्यक है ये भूमिका है क्या कह रहे हैं कि आज तक इस ब्रह्मांड में वेद और कतेबों का आधार लेकर के लोगों ने बहुत खोज की पर खोजते खोजते भी कहां तक पहुंचे अक्षर तक भी कोई नहीं पहुंच पाया कोई भी नहीं पहुंचा निराकार से परे का ज्ञान किसी में भी नहीं था क्या कहते हैं बहुत दौड़ी तो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार शून्य तक निराकार तक ही पहुंचे उसके आगे वह नहीं पहुंच पाए जिनको हम त्रिगुण कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव वे भी परब्रह्म की खोज में लगे रहे सबने तपस्या की ब्रह्मा जी अपने मुख से चारों वेदों का गायन करके उस परब्रह्म को रिझाने की कोशिश करते हैं शिव जी पांच पांच हजार दिव्य वर्षों की समाधि लगाते हैं विष्णु भगवान भी इसी तरह से अपने निवास में तप करते हैं इनका प्रसंग तो हम कई बार सुन चुके हैं लेकिन फिर भी अक्षर तक भी वह नहीं पहुंच पाए और कहते हैं और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन अब उन त्रिगुणों के द्वारा पाए गए उपदेश का आधार लेकर के जो भी खोज करते हैं वे भी कहां तक पहुंचते हैं जिनो नेत नेत पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण इन्होंने क्या कहा कि परमात्मा नेत नेत मतलब नेति शब्द है वैसे तो नेती का अर्थ है न इति न इति इति मतलब ऐसा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इतना कहा चाहे वे त्रिदेव हों चाहे वे त्रिदेव के अनुयायी हों पर ऐसा नहीं है तो कह पाए पर कैसा है वो नहीं कह पाए निषेधात्मक ज्ञान उन्होंने दिया पर विधि वाला ज्ञान नहीं दिया निषेध और विधि में क्या फर्क होता है जैसे हम कई बार अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए ये निषेध हो गया पर उसके जगह पर कैसा करना चाहिए वो विधि हो गया विधान तो ऐसा परमात्मा नहीं है ये तो सबको पता था पर कैसा है ये कोई नहीं जान पाया और कहते हैं जो तीन की खोज से मकसूद न होवे इन उन त्रिदेवों की तथा त्रिदेवों के ज्ञान का आधार लेकर के खोजने वाले ऋषि मुनियों की खोज में जो हासिल नहीं हो पा, हो पाया जो प्राप्त नहीं हो पाया सो सारे जाहिर कर बैठाए इत मोमिन यहां उसी ज्ञान को उसी पहचान को राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों के बीच में जाहिर कर दिया ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में ही अपनी सारी पहचान उजागर कर दी तो ये राज्य की मेहर है कि नहीं पहली मेहर गिना रहे है वो कि जिसकी पहचान यहां त्रिदेवों को भी नहीं थी दुनिया में किसी को नहीं थी मैंने वो पहचान ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में उजागर कर दी है आगे कहते हैं अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान सो कर पकर बताइया दृढ़ कर दिया ईमान आज दिन तक इस संसार में किसी को ना अक्षर की पहचान थी और जब अक्षर की ही नहीं तो अक्षरातीत की पहचान कैसे हो सकती है और मैंने क्या किया तारतम्य ज्ञान के माध्यम से आपको हाथ पकड़ करके दिखाया या हाथ पकड़ कर दिखाने का तात्पर्य क्या है कि बहुत आसान करके कई बार क्या होता है हमारे बच्चों को जब हम लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो उनके हाथ में छोटी सी पेंसिल दे देते हैं और स्वयं ही लिख कौन रहा होता है दिमाग हमारा होता है प्रक्रिया हमारी होती है बस उस, उसको तो कुछ करना ही नहीं होता है तो उस हमने अब बच्चों का काम सरल बना दिया ना राज्य ने उतनी ही सरलता पूर्वक हमें अपनी पहचान दी है ब्रह्म सृष्टियों का अर्थात हमारा हाथ पकड़ा और अपनी पहचान दी दे गुण पख इंद्री साहेदी और शास्त्रों के वचन गुण तीन गुण हैं पक्ष दो प्रकार के होते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति समझ सकते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण कुछ पक्ष भी समझ सकते हैं और इंद्रियों की साक्षी दे करके इंद्रियों की साक्षी मतलब इंद्रियों की निर्विकारिता की साक्षी देकर और इसी तरह से शास्त्रों के वचन और भाखा सब साधुओं की शास्त्रों के वचन साधुओं की संतों की वाणियाँ, इन सब की साक्षी देकर के जिनमें सिफत करे मोमिन जिनमें ब्रह्म सृष्टियों की महिमा लिखी गई है उन महिमाओं के माध्यम से उन शास्त्रों के वचनों के माध्यम से मैंने समझाया और आगे अगली चौपाई और भी महत्वपूर्ण है कहते हैं जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की शुद्ध परम धाम के अंदर जो लीला होती है उस लीला की शुद्ध अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में भी नहीं थी हम कहते हैं ना अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध के लिए करत जागृत तो अवस्था में भी अक्षर ब्रह्म को ये पता नहीं है कि परम धाम के रंग महल में या रंग महल में ही नहीं राज्य जी और ब्रह्म सृष्टियों के बीच में क्या लीला होती है भले ही कहाँ हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता पर अक्षर ब्रह्म को उसका पता नहीं है चाहे मूल मिलावे के विषय में हो चाहे दूसरे भूम की भूलवनी की लीला हो चाहे तीसरी भूम में पड़साल तथा वहाँ के आसपास के अन्य मंदिरों में होने वाली लीला हो चाहे चौथी भूम के नृत्य की लीला हो पांचवी रंग प्रवाली मंदिर में शयन की लीला हो छठी भूमि के सुखपालों के माध्यम से होने वाली लीला हो सातवीं और आठवीं भूमि में जो दो ताली और चार ताली के हिंडोलों की लीला हो नौवीं भूमि के दूरदर्शिका में किस तरह से राज्य नवीं भूमि में रहते हुए रंग महल से ही संपूर्ण परमधाम के पच्चीस पक्षों का दीदार और आनंद दिलाते हैं और इसके साथ साथ में भिन्न भिन्न भिन पक्षों में जाकर के दो पक्षों की बात की जाती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में परमधाम में किन किन पक्षों में जाकर के लीला की जाती है अक्षर ब्रह्म इन सभी लीलाओं के विषय में परमधाम में जागृत अवस्था में भी थे और अब क्या हुआ सो संयो को दई जागृत हृदय बुद्ध राज ने जागृत बुद्धि के माध्यम से निज बुद्धि के माध्यम से यहाँ ब्रह्म सृष्टियों को वो ज्ञान दिया और वो भी जागने से पहले ही आज एक पाँच से दस वर्ष का बालक भी होगा जिसको भले ही आत्मिक दृष्टि से ये पता नहीं होगा कि ये लीला का तात्पर्य क्या है मान लीजिए उसने सेवा पूजा भी याद कर ली तब भी उसको पूछा जाएगा कि परमधाम की लीला के विषय में बताओ थोड़ा सा वर्णन करो वो इतना तो कह सकता है कि तीजी की जो पड़साल साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत हे उठी प्रात वन अमृत अघात। इसी तरह से दाइनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि वो पूरी लीला का वर्णन कर सकता है इसी तरह रात्रि की शाम की सेवा पूजा में भी वो जैसे मान लीजिए गौरी गाते हैं हम मन तुम चलियो निज दरबार उसमें पांच तत्व वैकुंठ शून्य से लेकर के रंग महल में मूल मिलावे में क्या क्या लीला है वहाँ की क्या शोभा है वो सारा वर्णन कर सकता है तो राज्य की इतनी मेहर हम पर है कि जो शुद्ध अक्षर को जागृत अवस्था में भी नहीं थी वो हमें इस काल माया के ब्रह्मांड में स्वप्न की अवस्था में ही दी है ये राज्य की मेहर है तो अभी तो हमने उदाहरण शुरुआत ही की है उदाहरणों की कल की चर्चा में हम इसी उदाहरण को और आगे बढ़ाएंगे यहाँ बातिनी मेहर के बहुत सारे उदाहरण दिए और साथ में ये भी बताया है कि जाहिरी मेहर में भी मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी है जाहिरी मेहर कैसे कैसे की है उनका भी वर्णन यहाँ किया गया है जिनको सुनेंगे अब हम कल अभी के लिए समय पूरा होता है चौपाई दोहराइए जो नहीं अक्षर जागृत में, में धाम अंदर की सुध को दई जागृत हृदय बुध जागृत हृदय बुध बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सद्गुरू महाराज प्रणाम